दुनिया के मशहूर ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि आरती के दौरान गुलाल उड़ाने की वजह से आग बढ़ गई। मंदिर में इस समय हजारों श्रद्धालु मौजूद थे, सभी महाकाल के साथ होली मना रहे थे। घायल सेवक ने बताया कि आरती कर रहे पुजारी संजीव पर पीछे से किसी ने गुलाल डाल दिया, गुलाल दीपक पर गिरा। संभवतः गुलाल में केमिकल होने की वजह से आग भड़क गई। उधर रंग गुलाल से गर्भगृह की चांदी की दीवार से बचाने के लिए वहां फ्लैक्स लगाए गए थे, इनमें भी आग फैल गई। कुछ लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गर्भगृह में मौजूद आरती कर रहे संजीव पुजारी, विकास, मनोज, सेवाधारी आनंद, कमल जोशी समेत 13 लोग झुलस गए। इस मामले में उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि मामले की जांच के आदेश है, इस कमेटी इसकी जांच करेगी। सुनिए क्या कुछ आगे उन्होंने कहा। के दौरान चूँकि होली के समय पे गुलाल वगैरह का भी उपयोग होता है, तो भस्मारती के दौरान गर्भगृह के अंदर आग जो कपूर की थी वो भभक गई थी, जिससे कि 13 लोग जो अंदर पुजारी थे उनको बर्न्स आए हैं। जिला अस्पताल में अभी वो लोग भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। जिनको सर घायल हुए उनका बर्न कितना परसेंटेज, कोई ज़्यादा मेजर है? कोई मेजर बर्न नहीं है, अभी सभी लोग स्टेबल हैं और डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जा रहा है। और मंदिर की व्यवस्था कितनी जल्दी वापस? मंदिर में दर्शन सुचारू रूप से चालू है, मंदिर में कोई समस्या नहीं है, सुचारू रूप से दर्शन चालू कर दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।